हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रॉस्ता, एम बी एस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ जीएसयू मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो यार, आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि आखिर यार मतलब बाकी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए जा रहे हैं, मतलब क्लैट हो गया पोस्टपोन, जिसमें अराउंड 75,000-80,000 एप्लीकेंट्स है, और अपना नीट जे क्यों नहीं पोस्टपोन हो रहा है। भाई क्लियर, पहले क्लियर कर लो, वो इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट कराती है, ठीक है, और वहाँ पर मेन बात बताएं क्या है, वहाँ पर कोई बिजनेस माफियाज इन्वॉल्व नहीं है, अनलाइक नीट एंड जी। यार यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस माफियाज है, जिनका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने एक हफ्ते पहले ट्वीट में आजकल दिया भी था, बोला था कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है बिजनेस माफियाज का। वी न्यू कौन है बिजनेस माफियाज, कोचिंग माफिया तो प्राइवेट कॉलेजेस, हम लोग सब जानते थे। हम लोग के मन में मगर एक शक था ना, क्लियर नहीं हो पा रहा था, मगर आज सुबह द हिंदू पे, आप ट्विटर पे देख सकते हो, द हिंदू के ट्विटर अकाउंट पे सुबह 7:50 AM पे उन्होंने आरपी निशंक जी का इंटरव्यू डाला है, मतलब उसको ब्रीफ करके डाला है। उसमें उन्होंने ये है, उसकी टैगलाइन ये है, आरपी निशंक जी ने बोला है कि अपोजिशन लीडर्स मस्ट नॉट पॉलिटिसाइज, मतलब इस चीज को पॉलिटिसाइज मत करो, नीट जेई पोस्टपोन वाले इशू को पॉलिटिसाइज मत करो। इसमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 4,800 करोड़ रुपीज का लॉस होगा, अगर आप लोग ये अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो 4,800 करोड़ का लॉस होगा। अब भाई 4,800 करोड़ कौन से, कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वी डोंट नो, मगर आप लोग के बीच ट्विटर मतलब ये ट्विटर ट्वीट वायरल हो रहा था, ठीक है, 4,800 करोड़ का, यार कौन है ये, समझ में आ रहा है ना। और कितने बच्चे एग्जाम देते हैं यार अपने नीट जे मिला के, 25 लाख लोग, 25 लाख, 4,800 करोड़ डिवाइडेड बाय 25 लाख, मतलब 19,200, समझ लो अपनी लाइफ की कीमत 19,200 है यार गवर्नमेंट के नज़र में। अब समझ में आ गया ना यार, फंडा, सारा फंडा क्लियर हो गया यार, कोई अच्छा बनना चाह रहा है, कोई बुरा बनना चाह रहा है, सब क्लियर हो गया कि भाई क्या मेन फंडा हो रहा है। सारे सब लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, किसी की तरफ से कोई वर्डिक्ट क्यों नहीं आ रहा है, इस मुद्दे को ज़्यादा कोई क्यों नहीं बोलना चाह रहा है, मेन मुद्दा यही है भाई 4,800 करोड़ का, समझ जाओ भाई, जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से ज़्यादा 4,800 करोड़ जरूरी है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ भाई, मैं पहले भी कहता था भाई पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है, तुम लोग के साथ भी हो गई, अनफॉर्चुनेटली हम लोग को कुछ कर भी नहीं सकते, जो रिव्यू पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, अब उससे क्या उम्मीद रखें, पता नहीं कब हियरिंग होगी, क्या होगी, वी डोंट नो, वेट ही कर सकते हैं, और कुछ इसमें किया नहीं जा सकता, बस आप लोग को क्या यार, पढ़ते रहो और कुछ उम्मीद रखना बिल्कुल भी छोड़ दो, अगर हल्की सी उम्मीद रखनी है तो रखो, मगर यार देख लो कि पॉलिटिक्स जहाँ हो जाता है ना यार, वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती है, और आपकी लाइफ की कीमत बस समझ लो 19,200 है गवर्नमेंट नजर में। मैं पहले भी कहता था वी आर जस्ट नंबर्स टू गवर्नमेंट, मतलब हम लोग इफेक्ट हो, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना यार, वो बात अब जस्टिफाई हो रही है। तो आप लोग यार प्लीज़ खुद अपनी सेफ्टी लो, और जो कुछ भी मेजर्स हो यार, एग्ज़ाम होता है तो आप लोग जो देने जा रहे हो तो प्लीज़ यार अपना ध्यान अच्छे से रखना, अपने लेवल पे SOP फॉलो करना, वो लोग कितना फॉलो करते हैं डोंट नो, मगर अपने लेवल पे प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी रखना, और जैसी भी पॉसिबिलिटी हो प्लीज़ यार अपना ध्यान रखना, आई रियली केयर फॉर यू ऑल, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी प्रॉब्लम हो, मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स का डिस्क्रिप्शन में सब दे रखा है, सारा मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरी सारी सोशल मीडिया के जितनी भी लिंक्स है, मैं जहाँ जहाँ भी हूँ, आपको जो कोई भी डाउट हो, मतलब एकेडमिक डाउट नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना पूछने लगना, मतलब यार कोई ऐसे जनरल डाउट है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, आप मेरे से कंसल्ट करो, मेरे को मैसेज करो, मैं पक्का रिप्लाई करूँ, मैं सब बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूँ, किसी से भी आप पूछ लो, मेरे पास अगर दिन के 200-300-400 जितने भी मैसेज आ रहे हैं मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, चाहे मेरे को वॉइस मैसेज जल्दी में करना पड़े मगर मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लेवल पे मैं जितनी मदद कर सकूँ आपकी करता हूँ, और प्लीज़ यार आप लोग भी स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड, स्टडी हार्ड, ओके, फिर चलते हैं, बाय बाय।